मुंबई में हिंदू संगठन ने आदि पुरुष का शो रुकवाया, दर्शकों को थिएटर से बाहर भेजा। छत्तीसगढ़ में हॉल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शिवसेना का स्थापना दिवस आज, एकनाथ शिंदे गुट का कार्यक्रम गोरेगांव में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सेंट्रल मुंबई में कार्यक्रम। बिपरजॉय से राजस्थान के 4 जिलों में बाढ़, अब तक 7 लोगों की गई जान। टोंक, बूंदी, कोटा समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लड़की के मामा बोले लव जिहाद नहीं प्रोला की घटना, नेताओं ने लोगों को भड़काया, घर छोड़कर गए मुस्लिम लौट आए। मणिपुर टकराव का 48वां दिन, फायरिंग में सेना का जवान घायल। दुनिया के एकमात्र मां मार्केट में सन्नाटा, दुकानदार बोली इस युद्ध से सिर्फ तबाही। यूपी बिहार में हीटवेव से मिलेगी राहत, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ से 142 गांव डूबे, 1500 हेक्टेयर फसल बर्बाद। डीएमके नेता ने खुशबू सुंदर को बताया पुराना ढोल, पार्टी ने किया बर्खास्त, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के गवर्नर पर भी कमेंट किया था। फडणवीस बोले मुस्लिम औरंगजेब की वंशज नहीं, महाराष्ट्र में हुए बवाल पर कहा औरंगजेब के हमदर्द कहां से आए, ये संयोग नहीं प्रयोग था। नाबालिग पहलवान के पिता बोले हमें धमकी नहीं मिली, साक्षी मलिक अपना बयान स्पष्ट करें, हमें जो करना था हमने कर दिया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, सेंट्रल फोर्स की तैनाती के विरोध में याचिका, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। म्यांमार के दक्षिणी तट पर भूकंप के तेज झटके लगे, भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। नेपाल में टूटा प्रकृति का कहर, भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 5 लोगों की गई जान, 28 लोग लापता। अमेरिकी राज वॉशिंगटन में म्यूजिक शो के दौरान गोलीबारी, 2 लोगों की गई जान, 3 लोग घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भूकंप के तेज झटकों से फिर कांपा मैक्सिको, 6.3 रही तीव्रता, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली लगने से गई जान, NIA ने किया था भगोड़ा घोषित, निज्जर पर रखा गया था 10 लाख का इनाम। आज से सॉवरेन गोल्ड ब्रांड में निवेश का मौका, 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5,876 रुपए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लगा सकते हैं पैसा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया, भारत ने फाइनल मुकाबले में लेबनान को 2-0 से हराया। चिराग सात्विक ने जीता इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, ये खिताब जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी, मलेशिया जोड़ी को 1 घंटे 7 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। आदिपुरुष में प्रभास के बाद अब शाहिद कपूर संग काम करेंगी कीर्ति सेनन, रोमांटिक फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हुई, ऑन स्क्रीन पहली बार दिखेगा शाहिद कीर्ति का रोमांस। सिनेमाघरों में आदिपुरुष फिल्म का जलवा कायम, 3 दिन में ही आदिपुरुष ने की ताबड़तोड़ कमाई, दुनिया भर में प्रभास कीर्ति की फिल्म ने कमाए 300 करोड़ के पार।